है, जिस तरीके से उनका जो कल बयान आया था किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस पर देखेगा। वो जिस तरह से विवादित बयान दे रहे थे, इसके बाद पार्टी के स्तर से उनके ऊपर, चूंकि इंडिया गठबंधन के दलों का नेताओं का स्पष्ट मान्यता है कि ये लड़ाई है बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आज़ादी दिलाने की, इसमें कोई विवादित बोल बोल करके, इसके बाद बीजेपी के लोग जिस तरह से उस मुद्दे पर ही प्रवचन और ज्ञान देते हैं तो असली मुद्दे पर बात ही नहीं करते, इसलिए इस तरह के विवादित बयान वो लगातार दे रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, वो इस पूरे मामले को देख रहा था और अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी को लेकर राहुल गांधी पर अटैक किया कि क्या डील हुई है, राहुल गांधी बताए, अब उनको गाली देना बंद कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब राहुल गांधी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि क्या डील उन्होंने किया था 10 वर्षों से, ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा, तो सब लोग जानते हैं। अब वो जो बात कर रहे हैं इससे स्पष्ट पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनकी सत्ता जाती हुई दिख रही है। विजय सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी जो है देश के प्रिंस है और वो बिहार आते हैं, बिहार में भी यहाँ के शहजादे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। देखिए, राहुल गांधी जी के परिवार ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, राहुल गांधी जी का बराबरी ये बीजेपी आरएसएस के लोग क्या करेंगे? श्री तेजस्वी यादव जी ने नौजवानों को नौकरी दिया है, तो ये सब बात जो किया जा रहा है इसका मतलब है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी से बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है और बीजेपी के अंदर खाने इस बात की चर्चा हो रही है कि अब विपक्ष का नेता कौन बनेगा परिणाम आने के बाद बीजेपी का। प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है बाबा, 2 दिन के बाद तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी के सवाल पर हम लोगों ने रोड फैला दिया। ये तो ठीक ही बात कह रहे हैं, ये जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है ये रोड शो करेंगे, एयर शो करेंगे, और नौकरी वाला शो कब करेंगे? बेरोजगारी खत्म करने वाला, महंगाई खत्म करने वाला शो तो इन्होंने दिखाया नहीं, तो अब जब बुरे दिन आने वाले हैं बीजेपी के तो अब ये रोड पर ही शो दिखाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ये भी कहा कि हम लोग जॉब शो करेंगे, ये तो ठीक ही बात है, ये तो तेजस्वी यादव जी का जॉब शो, रोजगार शो, नौकरी शो, ये तो चारों ओर देश दुनिया में चर्चा है, बिहार के जन जन में, घर घर में इस बात की चर्चा है। तो अब एयर शो, रोड शो, कुछ भी करें, अब 4 जून को इनका सारा शो समाप्त हो जाएगा।